हेलो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं आज साबूदाने की टिक्की। साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए भीगे हुए साबूदाने। साबूदाना हमें कम से कम 2-4 घंटे भिगो लेना है। और बॉयल पोटैटोस, हरी मिर्ची का पेस्ट, सिंगदाना, धनिया और नमक। आप ऐसे ही स्नैक्स में साबूदाने की टिक्की खाना चाहते हैं तो सिंपल सॉल्ट भी ले सकते हैं, और अगर व्रत वगैरह में ही खाना चाहते हैं तो आपको फरारी नमक की डालना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए, ये पोटैटोस मैश कर लिए हैं हमने। फिर अब हम इसमें भीगा हुआ साबूदाना डालेंगे। अब नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और धनिया डालेंगे। फिर अब हम इसमें सिंग डालेंगे, लेकिन पहले हमें इस सिंग को अच्छे से क्रश कर लेना है। तो देखिए, अब हमने सिंग दाने को क्रश कर लिया है। अब हम इसमें, अगर किसी को खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो वो थोड़ा लेमन जूस और शुगर भी यूज़ कर सकता है, पर किसी को स्पाइसी पसंद है तो वो इस तरह से। फिर अब हम इस तरह से इसका डव रेडी कर लेंगे। हमारा डव रेडी हो गया। अब हम इसे अच्छे से इसके बॉल बना लेंगे। इसे इसे प्रेस कर, देखिए इसे ऐसे ऐसे प्रेस कर देना है इसके बॉल बना के। फिर से देखिए, हम अच्छे से इसके बॉल बनाएंगे। फिर से इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, हमारी टिक्की रेडी हो गई है। हम इसे धीरे से तलने डालेंगे और गैस को सिम कर देंगे। धीरे धीरे करके सिर्फ दो टिक्की साथ में तलिए। ये देखिए, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलते रहिए। देखिए रेडी साबूदाना टिक्की विद केचप। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।